इसमें आपको ऑटो पार्क का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप गाड़ी आप छोड़ दें और गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है, तो ये अच्छा फीचर मुझे लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जयदेव मलिक आप सभी का स्वागत करता हूं एनबीटी ऑटो में, और ये है आज मेरे साथ एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म। तो आज मेरे पास ये गाड़ी आई हुई है और मैं इसका आपके साथ अपना फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं और बताऊंगा कि एमजी की ये ब्लैक स्टॉर्म एडिशन कैसी है, क्या कुछ चेंजेस आए हैं इसमें और क्या एमजी ने इसमें कुछ परफॉर्मेंस को लेके चेंजेस किए हैं, ये सारी बातें करेंगे आज हम इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं जल्दी से इस वीडियो को, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसा ऑटोमोटिव कंटेंट मिस ना करें। तो दोस्तों सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमजी ग्लॉस्टर के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस ब्लैक स्टॉर्म एडिशन में, वो बताता हूं मैं आपको। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको थोड़े थोड़े रेड एलिमेंट्स दिखेंगे। जी हाँ, एमजी ग्लॉस्टर में थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लुक देने के लिए रेड एलिमेंट्स को ऐड किया है। वो कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं आपकी हेडलैम्प्स में यहाँ पे थोड़े से आपको रेड इंसर्ट्स देखने को मिलते हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके फ्रंट बम्पर पे ये यहाँ पे आप थोड़ा सा एक रेड एलिमेंट देख सकते हैं। अब लेके चलता हूँ साइड में और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या कुछ एमजी ने रेड किया है। तो साइड में सबसे पहले बात करें तो सबसे पहले जो नज़र जाती है इसके ब्रेक कैलिपर्स पे, जो कि एमजी ने अब इस एडिशन में रेड कलर के कर दिए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक अट्रैक्टिव सा लुक्स देते हैं इस व्हील को, और इसकी व्हील की लुक्स को भी एनहांस करते हैं। मतलब कितनी बढ़िया ये तरीके से इस्तेमाल किया गया है इस चीज़ को, इस एलिमेंट को इंसर्ट किया है कि व्हील भी अब अट्रैक्टिव लगते हैं। दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि आपके ORVMs पे यहाँ पे एक रेड एलिमेंट एमजी ने ऐड किया है। अब देखते हैं रेयर में क्या क्या कुछ चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों एमजी रेयर से कैसी लग रही है आपको, सबसे पहले तो आप कमेंट करके हमें ये बताइए। अब इसके चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो चेंजेस आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्लॉस्टर लिखा हुआ है, पर क्या आपको दिख रहा है सच में, क्योंकि यहाँ पे ग्लॉस्टर जो है आपको नॉर्मल ग्लॉस्टर में क्रोम में मिल जाता है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको पूरा ब्लैक कर दिया गया है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देख सकते हैं थोड़े से रेड इंसर्ट्स यहाँ पे भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे ADAS 4WD लिखा हुआ है, तो ये जो आप ADAS देख रहे हैं ये रेड कलर में, और 4x4 भी रेड कलर में दिया है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ पे भी आपको एक रेड कलर की लाइन थ्रू आउट दिखती है रेयर बम्पर पे, जो कि इसकी ओवरऑल लुक को पीछे से एनहांस कर रही है। और साथ ही साथ यहाँ पे इंटरनेट इनसाइड की बैजिंग में भी आई जो है वो थोड़ा सा रेड किया हुआ है। अब दिखाता हूँ इंटीरियर में एमजी ग्लॉस्टर ब्लैक स्टॉर्म में क्या क्या चीज़ें चेंज की गई हैं। ब्लैक स्टॉर्म के इंटीरियर की बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, पर आप जो देखेंगे स्विचेस पे जो आपकी लाइट है वो अब रेड कलर की है, जो कि रात में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। तो अब चलते हैं इसकी राइड पे। तो दोस्तों ये है एमजी ग्लॉस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, आपने सब कुछ देखा इसमें बाहर से क्या क्या एलिमेंट्स ऐड हुए हैं। अब इसकी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं थोड़ी, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है गाड़ी में वो है उसका इंजन और उसकी परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके इंजन से। इंजन के बारे में बताऊँ मैं आपको थोड़ा इसमें, तो इसमें आपको 2 लीटर्स का डीजल इंजन आता है, जो कि मतलब डीजल इंजन है, तो आपको इसमें कोई भी पेट्रोल वेरिएंट नहीं मिलेगा, आपको कोई पेट्रोल का ऑप्शन नहीं है इसमें। दूसरी चीज़ ये 2 ड्राइव ऑप्शंस के साथ आती है, एक आता है आपका 4WD और दूसरा आता है आपका 2WD, उनका अलग अलग प्राइजेस हैं और उनके अलग अलग पावर्स भी उस हिसाब से चेंज होती हैं। तो अभी मैं जो चला रहा हूँ वो 4WD है, एंड इसके अंदर आपको 215 PS की पावर मिल जाती है, और साथ ही साथ इसमें आपको पावर मिलती है 478 Nm टॉर्क की। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जितना मैंने इस गाड़ी को चलाया है मुझे इससे कोई ऐसे दिक्कत नहीं हुई कि पावर कम है या टॉर्क कम है। हालांकि थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है कि थोड़ी सी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अगर होती तो और ज़्यादा गाड़ी को चलाने में मज़ा आता। एक वो बहुत ही अच्छा फील देती है, थोड़ा प्रीमियमनेस वाला भी फील देती है जब आप इस गाड़ी को चलाते हैं, आप इस गाड़ी को जब ओवरऑल होल्ड करते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। एंड दूसरी चीज़ मैं बताऊँ आपको कि जब आप इसको रेव करते हैं तो मेरे को ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है कि हमेशा मैं जितना मैंने इसको हाई स्पीड में चलाया, लो स्पीड में चलाया,
मेरे को एक वाइब्रेशन हमेशा मेरे पाँव में महसूस होती रही, जो कि मुझे थोड़ा सा लगता है कि MG को इम्प्रूव करने की जरूरत है, मतलब थोड़ा सा इंजन रिफाइनमेंट की जरूरत है इस गाड़ी को, मुझे ऐसा लगता है। तो अब बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग की, ब्रेकिंग कैसी है। अब बड़ी गाड़ी है तो आप समझ रहे होंगे ब्रेकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, क्योंकि अब बड़ी गाड़ी को रोकना भी उतना ही ज़्यादा थोड़ा सा कठिन होता है। तो ब्रेकिंग की मैं बता दूँ तो इसमें आपको सारे व्हील्स में डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है। हाँ, और ब्रेकिंग के रिस्पांस की बात करूँ तो ब्रेकिंग का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा क्विक है, मैं आपको बताऊँगा। और जब मैं इसको हाईवेज पे एकदम से ब्रेक मार रहा था, तो जो कहते हैं कि गाड़ी ब्रेकिंग के टाइम पे थोड़ा सा कम स्टेबल रहती है, वो इस चीज़ में नहीं मिला मेरे को, वो इस गाड़ी में वो चीज़ नहीं मिली। गाड़ी बहुत स्टेबल लगी मुझे जब मैंने इसको हाईवे पे एकदम से रोकने की कोशिश की, इमरजेंसी ब्रेकिंग कह सकते हैं आप, इमरजेंसी ब्रेकिंग वगैरह लगाई। और साथ ही साथ जब आप ब्रेकिंग कर रहे होते हैं तो कभी कभी ऐसे कुछ अचानक हाईवे पे आ गया तो आपको स्टेयरिंग वगैरह घुमाने की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि गाड़ी बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा इधर उधर भागती नहीं, उतना ज़्यादा बॉबल नहीं करती है, कि बड़ी गाड़ी है तो हैंडलिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। गियर बॉक्स की बात करूँ तो गियर बॉक्स का मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा इंजन, मेरे को लगता है कि थोड़ा सा और रिफाइनमेंट की ज़रूरत है, वो गियर बॉक्स में भी वो चीज़ दिखती है कि जब आप इसको रेव करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंजन से नॉइस आती है कैबिन में, जो कि एक मुझे बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट लगता है। क्योंकि इंसान अगर कोई मतलब इसका एक शोरूम प्राइस है 32 लाख के आसपास, तो अगर कोई 32 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उस हिसाब से प्रोडक्ट मिलना चाहिए, वो डिलीवरी होनी चाहिए उसके साथ। हालांकि इंटीरियर में आप देखेंगे तो गाड़ी आराम से अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। इंटीरियर्स के मामले में बात करूँ तो अच्छा स्पेस है यहाँ पे, और साथ ही साथ सेकेंड रूम में भी अच्छा खासा स्पेस है। एंड ड्राइवर, को ड्राइवर के लिए यहाँ पे पूरा खास ख्याल रखा गया है इस गाड़ी में, कि आपको 12 तरह के अलग अलग अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। इसमें आपको मसाज का फीचर भी आता है, इसमें ड्राइवर के लिए हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन है, पर जो आपके को ड्राइवर हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। और साथ ही साथ मैनेवरेबिलिटी की बात करूँ इस गाड़ी की, तो मैनेवरेबिलिटी काफ़ी अच्छी है और अच्छे खासे फीचर्स इस गाड़ी में आपको दिए गए हैं। और जो इंफोटेनमेंट अगर की बात करूँ, इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो इंफोटेनमेंट में आपको एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो जैसे फीचर दिए गए हैं। और साथ ही साथ एक चीज़ के इसमें आपको ऑटो पार्क का ऑप्शन मिलता है, मतलब आप गाड़ी आप छोड़ दें और गाड़ी अपने आप पार्क हो जाती है, तो ये अच्छा फीचर मुझे लगता है। एक जो चीज़ है कि इसका जो जैसे स्टेयरिंग है और जो इसका स्पीडोमीटर है और जो RPM वाला मीटर कहते हैं, वो थोड़ा सा साइड है, तो जैसे मैं बार बार अपनी स्पीड देखना चाह रहा था, अगर वो सेंटर में आ जाए तो वो एक चीज़ होती, मैंने कोशिश की सेंटर में लाने की, बट वो चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही थी यहाँ पे। एंड हालांकि आप अपने MID को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब आप देख सकते हैं कौन सा रेडियो स्टेशन चल रहा है या कौन सा गाना सुन रहे हैं आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। और एवरेज फ्यूल इकोनॉमी वगैरह दिखाता रहता है यहाँ पे MID आपका। और इसमें जो ADAS के फीचर हैं वो आपके एक्टिवली काम करते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपका अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल है इसमें, आपका लेन कीपिंग असिस्ट है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ये फीचर्स होने चाहिए। और एक चीज़ है, आपको गाड़ी टाइम टू टाइम वार्निंग देती रहती है अगर आपके क्लोज ज़्यादा आ रहा है कोई, ताकि आपकी गाड़ी को कुछ नुकसान ना हो। ORVMs की बात करूँ तो इसमें ऑटो डिमिंग है। लाइट के थ्रो की बात करूँ तो जब मैं निकल रहा था अपनी पार्किंग से, मैंने इसका लाइट का थ्रो देखा, वो भी काफ़ी अच्छा लगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, इनमें जो इसकी लाइट्स हैं वहाँ पे आपको एक ब्लू कलर का एलिमेंट थ्रू आउट दिखता है जब आप इसकी लाइट ऑन करेंगे। और एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी इस गाड़ी की, कि इसमें आपको वेलकम फीचर है और साथ ही साथ इसमें आपको सीट के रिमाइंडर्स भी है, मतलब आप दो या तीन लोगों के लिए इसमें शायद से सेट कर सकते हैं अपनी सीट के हिसाब से, मतलब जब भी आप यहाँ पे सेट कर देंगे उस चीज़ को, तो जब भी आप गाड़ी में आएंगे तो गाड़ी आपको वेलकम करेगी, आराम से सीट आगे जाती है पीछे जाती है जब आप एग्जिट करेंगे। तो ये कुछ अच्छे फीचर्स थे। AC का थ्रो वगैरह बहुत अच्छा है गाड़ी का। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग है, जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। रात में जब मैंने इसको देखा, बहुत ही ज़्यादा एक फ्लोइंग एम्बिएंट लाइटिंग जिसे कहते हैं ना आप, वो चीज़ यहाँ पे है आपके साथ। अब बात आती है टर्निंग रेडियस की। अब मैं यहाँ पे गाड़ी घुमा रहा हूँ और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आती। ये देखिए, थोड़ा सा व्हील स्पिन हुआ है यहाँ पे अभी थोड़ा सा। एंड टर्निंग रेडियस की बात कर रहा था मैं, तो टर्निंग रेडियस काफ़ी अच्छा है, मतलब आपको पूरा कॉन्फिडेंस देता है आपको
जैसे कि आप बड़ी गाड़ी जब कभी मोड़ रहे होते हैं तो आपको थोड़ा सा रिवर्स लेके मोड़ना पड़ता है, वो चीज़ इस गाड़ी में मुझे नहीं मिली। जब मैं निकल रहा हूँ सड़क पे तो टर्निंग रेडियस वगैरह काफ़ी अच्छा लगा मुझे इस गाड़ी का। एंड एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको कि सस्पेंशंस जो हैं इसके वो काफ़ी अच्छे हैं, तो जैसे कभी गड्ढे वगैरह आते हैं तो आपको वो सस्पेंशन की जो स्टिफनेस है वो एक तरह से हेल्प करती है और गड्ढे वगैरह आपको फील भी नहीं होते इस गाड़ी के अंदर बैठ के। हालांकि थोड़ा सा ऐसे रोल करती है गाड़ी, वो चीज़ मैंने देखी है, तो कभी कभी जैसे ब्रेकर से उतरेगी तो गाड़ी थोड़ा सा ऐसे हिलती है, तो वो चीज़ मैं कह सकता हूँ ठीक है, थोड़ा सा नेगलेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को। तो एक जो नेगेटिव पॉइंट मेरे को एक और इसके इंटीरियर के बारे में लगता है वो है इसके पैनोरामिक सनरूफ। अब पैनोरामिक सनरूफ तो MG ने खैर दे दिया है, वो काफ़ी अच्छा फीचर है, पर जो इसके साथ ही जो कपड़ा आता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब हीट अंदर आने देता है, मतलब ये गाड़ी बनाई है बाहर के हिसाब से। एंड यहाँ पे इंडिया में इतनी गर्मी होती है कि आप इस कपड़े से अंदर की हीट कैबिन में नहीं रोक सकते हैं, तो ये एक थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टी पैदा करता है। अब मोस्टली जो लोग इस गाड़ी को ख़रीदने वाले हैं या जो ऑडियंस इस गाड़ी को ख़रीदेगी वो होगी जिसको थोड़ा सा पीछे भी प्रीमियम लग्जरी चाहिए। एंड मैंने पीछे कुछ लोगों को बिठाया और उनसे उनका फीडबैक लिया, तो उनका कहना था कि सस्पेंशन वगैरह की थोड़ी है प्रॉब्लम, मतलब गाड़ी में बम्प आता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब ये इतनी प्रीमियम गाड़ी बनाई है MG ने तो उस हिसाब से पीछे भी सेकेंड रो में एटलीस्ट वो प्रीमियमनेस रखनी चाहिए थी, मतलब वो बम्प नहीं आना चाहिए था, क्योंकि जो लोग ड्राइवर के साथ अपनी गाड़ी यूज़ करते हैं तो उनके हिसाब से ये चीज़ थोड़ी सही हो सकती थी। अब वो इतनी गाड़ी में इन्वेस्ट करें और उनको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ना मिले तो ये चीज़ थोड़ा सा एक नेगेटिव लगती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत थी MG को कि पीछे वाले पैसेंजर को भी कंफर्ट बराबर का मिले। क्या अगर आप इस पे 32 लाख रुपये खर्च करते हैं तो ये वर्थ इट होगा या नहीं, ये सारी अब चीज़ें बात करते हैं कंक्लूजन में। तो दोस्तों गाड़ी में अच्छी खासी लेंथ है, गाड़ी अच्छी खासी स्टेबल है, तो गाड़ी दिक्कत कहाँ देती है जब भरपूर फीचर्स से लोडेड है गाड़ी फिर भी। पर एक जो चीज़ मैं मिस करता हूँ इस गाड़ी की वो है इसकी इंजन रिफाइनमेंट। अगर MG थोड़ा सा और क्वालिटी वर्क करे, इंजन इसका और ज़्यादा रिफाइन कर दे, तो ये गाड़ी आराम से फॉर्चुनर से बहुत आगे निकल सकती है और मार्केट में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। तो कैसा लगा आपको ये MG ग्लॉस्टर का ब्लैक स्टॉर्म एडिशन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी वीडियो में।